नमस्कार दोस्तों, कंप्यूटर G9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आप देखने वाले हो अटेंडेंस सीट। अटेंडेंस सीट अभी के टाइम में जैसे हम लोग देख रहे हैं कि हमारा जो है इंडिया डिजिटल होते जा रहा है और इसमें डिजिटल के रूप में अटेंडेंस को नोट किया जाता है, यानी एक्सेल में अटेंडेंस को काफ़ी जगह यूज़ किया जाता है अटेंडेंस को मेंटेन करने के लिए। फिर चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, प्राइवेट कंपनी हो, ये सब जगह एक्सेल सीट को अटेंडेंस के रूप में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। और इस वीडियो में आप अटेंडेंस सीट के बारे में पूरा डिटेल में समझने वाले हो, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ मिलन और तो चलिए देखते हैं एक्सेल में किस तरीके से अटेंडेंस सीट को बनाया जाता है। यहाँ पे आईडी नंबर लिया हुआ है, नेम लिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको देखते हैं आगे हम लोग किस तरीके से बनाते हैं। यहाँ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो है यहाँ पे हम लोग एक मंथ लेंगे, ठीक है। सबसे पहले इस दोनों सेल को सिलेक्ट कर लें। सेल को सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे मर्जन सेंटर पे जाना है, इस सेल को मर्ज कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनाना है 12 मंथ का, यानी जनवरी से लेकर दिसंबर तक। तो उसके लिए यहाँ पे मंथ टाइप कर लेते हैं, जैसे 01/20/21, ठीक है। इस तरह से फिर से एक बार टाइप कर लेते हैं 2021, ठीक है। इस तरीके से करने के बाद दोनों बॉक्स को एक बॉक्स में कर ले और इसको यहाँ से इस तरीके से जैसे ही सिंबल चेंज होता है इसको ड्रैग कर लें। ये पहले भी बताया गया है, 12 मंथ तक कर ले, ठीक है। तो ये मैंने जनवरी से लेकर दिसंबर तक ये मंथ ले लिया है, ठीक है। यहाँ पे इस तरह से इसको कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे आना, इस सेल को यहाँ इस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है डाटा, यहाँ से डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से एनी वैल्यू की जगह लेना है लिस्ट। यहाँ से लिस्ट में आ जाए। लिस्ट लेने के बाद अब ये आपसे पूछेगा कि सोर्स बताइए। तो आपका सोर्स क्या है, यहाँ से जो आपने डाटा लेके रखा है इस डाटा को सिलेक्ट कर लें। इस डाटा को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से ओके क्लिक करें, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख पाओगे कि आपका ये ड्रॉप डाउन बन चुका है। सबसे पहला जो है हमारा जनवरी मंथ, उसको लेते हैं। यहाँ जो है इस डेट पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको दिखेगा ये आपका नंबर आ रहा है, ठीक है। इसको सही करने के लिए क्या करना है, इसको सही करने के लिए आपको यहाँ से जाना है, को होम में जाके यहाँ से नंबर में जाना है। नंबर में जाने के बाद आप यहाँ पे कस्टम में जाएं। कस्टम में जाने के बाद आपको यहाँ से टाइप करना है 3M। टाइप करोगे तो आपका मंथ दिखाएगा, जैसे जनवरी का जैन दिखाएगा, ठीक है। अगर 4M लेते हो तो आपको यहाँ कंप्लीट नेम दिखाएगा। यहाँ से ओके करते हैं तो आप यहाँ पर देखोगे जनवरी आ चुका है, मार्च। इस तरीके से आप यहाँ से सिलेक्ट करके कर सकते हो, ठीक है। तो अब डेट लेते हैं, क्योंकि डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यहाँ से इक्वल टू करें। इक्वल टू करने के बाद आप इस मंथ को सिलेक्ट कर लें। यहाँ से इक्वल टू करने के बाद आप इस मंथ को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से एंटर करें। तो एंटर जैसे ही करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा क्या, जनवरी। जबकि यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए डेट। डेट लेने के लिए आपको यहाँ पे इस सेल को सिलेक्ट करना है। सेल को सिलेक्ट करने के बाद जाना है यहाँ से नंबर, कस्टम में जाके अब जहाँ पे MM टाइप किए थे, 4M टाइप किए थे, वहाँ आपको बस लेना है क्या, डबल D। तो आपको यहाँ पे डेट शो करेगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये आपका डेट दिखा रहा है जनवरी का 01। लेकिन आप इसमें क्या करना है, आपको यहाँ पे दूसरा सेल में आपको इस तरीके से क्लिक करना है और इक्वल टू करना है। इक्वल टू करने के बाद आप इस डेट पे क्लिक करें, साथ ही प्लस कर लें, प्लस 1 कर लें और यहाँ से एंटर करें। अब आपको क्या करना है, बस इस सेल को आप यहाँ से आपको ड्रैग कर लेना है, ठीक है। अभी आपको कहाँ तक करना है, 31 तक करना है, क्योंकि जनवरी में 31 तक ही होते हैं, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद देखिए, तो ये आपका क्या हो चुका है, ये आपका डेट आ चुका है। डेट आने के बाद आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि आपको यहाँ पे क्या लेना है, डे भी लेना है। डे निकालने के लिए क्या करना है वो देखते हैं। ये जनवरी 1 को जो है कौन सा डे पड़ता है, कौन सा डे आता है, वो भी देख लेते हैं। वो निकालने के लिए आपको यहाँ से इक्वल टू करना पड़ेगा और फार्मूला टाइप करना पड़ेगा, TEXT। टेक्स्ट टाइप करके यहाँ से टैब दबा ले और यहाँ से आपसे पूछेगा वैल्यू। ये वैल्यू जो है आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से वैल्यू सिलेक्ट कर लेते हैं, वैल्यू ये सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ से कोमा लेना है। और डबल इन्वर्टेड कोमा में आपको यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे हमें डे चाहिए। डे लाने के लिए आपको यहाँ से टाइप करना पड़ेगा DDD, 1, 2, 3 डी टाइप करके आप यहाँ से इन्वर्टेड कोमा को बंद कर दे और ब्रैकेट लगा के एंटर करें। तो आप यहाँ पे देख पाओगे जनवरी में आपका एक, जनवरी में एक तारीख को आपका फ्राइडे पड़ता है, ठीक है। इस तरह से आप इसको यहाँ से यहाँ तक ड्रैग कर लें, यहाँ से 31 तक ड्रैग कर लें, ठीक है।
तो यहाँ तक ड्रैग कर लिया। ये आपका बहुत बड़ा डाटा हो जाता है क्योंकि पूरा मंथ का डाटा निकालना होता है इसमें, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉर्ट कर सकते हैं, इसको आप इस तरीके से सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद क्या करें, सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से फॉर्मेट में जाना है। फॉर्मेट में जाने के बाद यहाँ से आपको क्लिक करना है ऑटो फिट कॉलम विथ। तो आप यहाँ पे देखोगे इसका क्या हो चुका है, कॉलम का विथ फिट हो चुका है। ये तो आपका मंथ, डेट और डे ये सब निकल चुका है। अब आपको निकालना है यहाँ से प्रेजेंट एब्सेंट, ये निकालना, ठीक है। प्रेजेंट एब्सेंट ये करने के लिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से आप जो है जहाँ तक आपका नेम है वहाँ तक को सिलेक्ट कर ले। इस तरीके से सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से जाना है डाटा में। डाटा के बाद चले जाएँ डाटा वैलिडेशन। डाटा वैलिडेशन में यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप यहाँ एनी वैल्यू को हटा के आप लिस्ट ले लें। लिस्ट में आपको क्या लेना है, देखिए अगर यहाँ पे प्रेजेंट रहेगा तो पी मान लेना है, और एब्सेंट रहेगा तो ए मान लेना है, और अगर हॉलीडे रहेगा तो एच मान लेना है, और यहाँ से ओके करना है। तो आप यहाँ पे देख पाओगे जितना भी सेल को हमने सेलेक्ट करके ड्रॉप डाउन लगाया सारे में आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन दिखेगा, ठीक है। यहाँ से आपको दिखेगा इस तरीके से आप जिसको प्रेजेंट करना है, एब्सेंट करना है, आप यहाँ से इस तरीके से कर सकते हैं। ये आपका टाइम सेविंग रहेगा, ठीक है। इस तरह से आपको यहाँ पे प्रेजेंट एब्सेंट जो भी रहेगा आपका अटेंडेंस को फिलअप कर लेना है। फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे टोटल निकालना है। टोटल किस तरीके से निकलेगा वो देखते हैं। टोटल निकालने के लिए क्या करना है वो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से ये दोनों सेल को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से इसको मर्जन सेंटर कर लें, और इसमें टाइप कर लेना है आपको टोटल, टोटल प्रेजेंट करके, टोटल प्रेजेंट करके टाइप कर लेना है। और अभी आप देख पा रहे हो ये आपका जो टोटल प्रेजेंट जो लिखे हो ये आपका सही से नहीं दिख पा रहा है, तो इस सेल को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से जाना है रैप टेक्स्ट पे। तो आप देखोगे यहाँ से टोटल प्रेजेंट आ चुका है। इसी तरीके से करना है क्या, टोटल, टोटल एब्सेंट, टोटल एब्सेंट और टोटल हॉलीडे, और लास्ट में टोटल हॉलीडे भी निकाल लेते हैं। यहाँ से करना है टी ओ टी ए एल, टोटल हॉलीडे, इसको भी रैप टेक्स्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब निकालने के लिए क्या करना है, देखिए टोटल प्रेजेंट निकालने के लिए आपको यहाँ से फॉर्मूला लगाना होगा, वो देख लेते हैं। टोटल प्रेजेंट निकालने के लिए आपको यहाँ से इक्वल टू प्रेस करना है। इक्वल टू प्रेस करने के बाद आप यहाँ से टाइप कर लें काउंट और इफ़। काउंट इफ़ टाइप करने के बाद आप यहाँ से टैब दबाएँ तो आपका यहाँ से फॉर्मूला स्टार्ट है। फॉर्मूला स्टार्ट है, आपको यहाँ सबसे पहले रेंज पूछ रहा है। रेंज आपका क्या हो गया, यहाँ से जो है आपका ये प्रेजेंट एब्सेंट हॉलीडे जो भी है आपका फिलअप किया हुआ, इसको आप यहाँ से इस तरीके से सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से कोमा लेना है। कोमा लेने के बाद आप डबल इन्वर्टेड कोमा में यहाँ पे मेंशन कर दें, जैसे प्रेजेंट निकालना है तो प्रेजेंट के लिए पी प्रेस कर लें क्योंकि हमने प्रेजेंट के लिए पी मान के रखा है। और यहाँ से डबल इन्वर्टेड कोमा क्लोज करें और ब्रैकेट लगाएं और एंटर करें। तो आप यहां पे देख पाओगे कि टोटल प्रेजेंट आपका कितना हो चुका है, एट, एट आ चुका है। इसको आप यहां नीचे तक ट्रैक कर लें तो आपका ये सारा जितना भी आपका एम्प्लॉय है सारा का डिटेल दिखाएगा यहां पे, ठीक है। तो हम लोग यहां पे कुछ चेंजेस करते हैं और देखते हैं ये वर्क कर रहा है कि नहीं। तो आप अच्छे से देख पाओगे ये आपका क्या हो रहा, काम कर रहा है, ठीक है। हाँ जी, तो टोटल एब्सेंट को भी निकाल लेते हैं। टोटल एब्सेंट किस तरीके से निकलेगा वो देखते हैं। यहाँ से आपको इक्वल टू करना है। इक्वल टू करने के बाद आपको सेम फार्मूला यूज़ कर लेना है, सी ओ यू एन टी आई एफ, काउंट इफ, यहाँ से टैप दबाना है। टैप दबाने के बाद आपको यहाँ से रेंज पूछ रहा है तो आप यहाँ से रेंज को इस तरीके से सिलेक्ट कर लें। रेंज को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से कोमा ले। कोमा लेने के बाद डबल इन्वर्टेड कोमा में आपको टाइप करना है ए। आपको यहाँ से इन्वर्टेड कोमा को क्लोज कर लेना है। क्लोज करने के बाद आप यहाँ से ब्रैकेट ले लें। ब्रैकेट लेने के बाद आप यहाँ से एंटर करें तो आपको यहाँ पे दिखेगा टोटल एब्सेंट। टोटल एब्सेंट आपका यहाँ पे 1 है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि हमारा ये फॉर्मूला जो है हमने लगाया ये एक्चुअली काम कर रहा है कि नहीं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो जैसे ही हम लोग यहाँ पे एब्सेंट करते हैं तो ये आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। यानी हमारा फॉर्मूला करेक्ट है। इसी तरीके से आपको टोटल हॉलीडे भी निकालना है। यहाँ से इक्वल टू करें। इक्वल टू करने के बाद आपको यहाँ से टाइप कर लेना है काउंट इफ टैब, और रेंज आप इस तरीके से सिलेक्ट कर लें। रेंज को सिलेक्ट करने के बाद 31 तक सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से कोमा लेना है। डबल इन्वर्टेड कोमा में आपको टाइप करना है क्या, एच। एच टाइप करके आपको यहाँ से ब्रैकेट को बंद करना है और यहाँ से एंटर करना है। तो आप यहाँ पे देखोगे टोटल हॉलीडे, टोटल हॉलीडे आपका कितना है, 2। तो आप इस तरीके से यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। जैसे संडे को, एक संडे को आमतौर पे हॉलीडे ही होता है तो आप यहाँ से इसको ड्रैग कर लें हॉलीडे। तो आप लोग यहाँ तक क्लियरली समझ गए होंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे तो हम लोग और भी इसमें कुछ देखते हैं। इसमें आप, इसमें मान लीजिए कि आपको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना है,
जहाँ पे भी आपका संडे आ रहा है उसको आपको हाईलाइट करना है कुछ अलग कलर में, यानी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करना है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग किस तरीके से अप्लाई करते हैं वो देखिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और यहाँ से न्यू रूल आपको अप्लाई करना है, ये यूज़ ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ से आप इसको फिर से एक बार सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से क्या करना है, ठीक है, आप यहाँ से क्या कर लें, यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है क्या, यहाँ फ्राइडे को आप सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ से ये जो लॉक लगा हुआ है आपको यहाँ से ये लॉक हटा देना है, ठीक है, ये लॉक हटा देना है। और यहाँ से आपको क्या करना है, इक्वल टू टाइप करना है। इक्वल टू टाइप करके आपको इन्वर्टेड कॉमा में आप क्या दिखाना चाह रहे हो, जहाँ पे भी आपका SUN लिखा हुआ है वो आपका रहेगा एक अलग फॉर्मेट में। यहाँ से आप फॉर्मेट पे क्लिक करें। फॉर्मेट पे क्लिक करने के बाद यहाँ से फील्ड में आके यहाँ से कलर आप ले सकते हो। मान लेते हैं हम लोग यहाँ फील्ड कलर ले रहे हैं क्या, रेड कलर, और फॉन्ट कलर ले लेते हैं कुछ भी, फॉन्ट कलर ले लेते हैं यहाँ से ब्लैक, और यहाँ से ओके करते हैं। हाँ जी, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हो जहाँ जहाँ आपका संडे है वो आपका रेड हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से आप एक इंटरेस्टिंग डाटा बना सकते हो। इस डाटा को भी अगर आप और भी इंटरेस्टिंग बनाना चाह रहे हो तो आपको इस तरीके से इसको कलर सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के बाद इसमें आप यहाँ से आके कलर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इसमें भी कोई एक कलर चूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस दोनों सेल को सेलेक्ट करके यहाँ से मर्ज कर लें। मर्ज करने के बाद आप यहाँ से टाइप कर लें क्या, ये आपका जो है यहाँ पे मंथ नेम है ना, मंथ को सेलेक्ट करके यहाँ से आप ओवरैप टेक्स्ट कर लें। तो आप यहाँ पे देख पाओगे ये आपका मंथ नेम करके यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है। आप इसको इस तरीके से यहाँ से कलर कर लें, ठीक है। ये आपका काफ़ी इंटरेस्टिंग एक अटेंडेंस शीट बन चुका है, ठीक है। आई होप कि यह वीडियो आप लोगों के लिए उपयोगी साबित होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे कंप्यूटर से रिलेटेड काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो डाली जाती है और आगे भी डाली जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।